सो so, ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर सी में सो आवर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर टू सो साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस एंड दिस एंड दिस एंड इट्स पेरीमीटर इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल विल बी सो हमें गिवन है तीनों साइड का रेशियो एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन हमें निकालना क्या है लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है ट्राइंगल की ओके okay. सो so, हमें पहले रेशियो निकालना पड़ेगा सेंटीमीटर में तो कैसे निकालते थे रेशियो सेंटीमीटर में अगर कभी भी रेशियो बोले और हमें निकालना हो सेंटीमीटर में आंसर तो हम क्या करते होंगे पुट करते होंगे एक्स लेट करते हैं सो so, कैसे करेंगे टू को हम बना देंगे टू एक्स वन को बना देंगे वन एक्स एंड थ्री को बना देंगे थ्री एक्स इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे और इक्वल रख देंगे ट्वेंटी फोर के तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा पैरीमीटर में यही तो होता था ना तीनों साइड का सम करके हमारा पैरीमीटर आता था सो so यही करना है हमें टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स इक्ल्स टू ट्वेंटी फोर सो प्लस करने पे आएगा हमारा सिक्स एक्स इक्ल्स टू ट्वेंटी फोर सिक्स एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी एंड फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल्स टू फोर फोर आ गई एक्स की वैल्यू और अब देख लेते हैं इन सब में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी टू थ्री एंड वन में से थ्री इज द लॉन्गेस्ट वन सो हमें लिखना है थ्री थ्री कौन सा था थ्री एक्स था थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो so, एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी फोर तो थ्री इंटू फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर इज आवर आंसर एंड द करेक्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्व सेंटीमीटर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज किसी भी इरेशनल और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है इन दोनों को एक वैल्यू होगी आपकी रेशनल की और एक होगी इरेशनल की इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रेशनल मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है मतलब कि डिवाइड में लिखा जाता है और इरेशनल मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है सो so, हमें देखना है एक होएगा रेशनल वैल्यू एक होगी इरेशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आवर आंसर इज टाइम रेशनल एंड समाइम टाइम इरेशनल, कभी के बाद आपका आंसर आएगा रेशनल में और कभी के बाद इरेशनल में आएगा ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो देन द एंगल आर ओके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितने के इक्वल होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो पहले देख लेते हैं हम रेशियो कितना गिवन है टेन एक्स एंड एट एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था नाइन्टी डिग्री के इक्वल है ना मैंने बताया था रेशियो में होता है तो पुट करते हैं हम पीछे तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस में एट एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता था नाइन्टी डिग्री के सो so, ये लिख लिया हमने टेन प्लस एट इक्वल्स टू एटीन एक्स हो जाएगा एटीन एक्स इक्ल्स टू नाइन्टी एंड एक्स को अब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाइव ना नाइन्टी डिवाइडेड बाय एटीन इक्वल्स टू फाइव ओके एक्स इक्वल्स टू फाइव तो हमारा वैल्यू आ गई एक्स की इक्वल्स टू में फाइव आप देख लेते हैं एक था टेन एक्स एक था एट एक्स टेन एक्स एंड एट एक्स एक्स की वैल्यू तो कितनी थी फाइव थी अब एट को एक बार हमें मल्टीप्लाई करने करना पड़ेगा फाइव से एंड टेन को भी एक बार करना पड़ेगा फाइव से सो so, एट को करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी फोर्टी एंड टेन को करेंगे तो फिफ्टी आएगा सो अवर आंसर इज़ फोर्टी एंड फिफ्टी सॉरी फिफ्टी एंड फोर्टी क्योंकि टेन पहले था एट बाद में था इसलिए फिफ्टी एंड फोर्टी इज़ द आंसर नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इेशनल मैंने बताया ना इेशनल क्या होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं चाहता अब आप बोलोगे सब लिखा हुआ है पी बाई क्यू की फॉर्म में बट इनको सॉल्व करेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये इ रेशनल बनेगा ऐसी वैल्यू बतानी है जिनको सॉल्व करने पर इेशनल वैल्यू आए तो देखा जा रहा है कि ये जो फोर है वो टू का स्क्वायर होता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा नाइन भी थ्री का स्क्वायर होता है ये भी बाहर आ जाएगा ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है लेकिन फाइव जो है फाइव किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता रूट फाइव कभी भी बाहर नहीं आ सकता लेकिन रूट एटी वन बाहर आ जाएगा क्योंकि नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन आ, मैं बताऊं कि रूट में जब भी वैल्यू हो एटी वन लाइक रूट में था तो रूट मतलब क्या होता है स्क्वायर अगर आप रूट से बाहर आना चाहते हैं तो आपको किसी वर्ड का स्क्वायर करना पड़ेगा अगर किसी का स्क्वायर करने पे ये वाली अंदर रूट के अंदर वाली वैल्यू आती है तब वो रूट से बाहर आ सकता है अदरवाइज वो रूट के अंदर ही रहेगा सो so, एटी भी नाइन के टेबल में आ जाता है नाइन का स्क्वायर होता है बट फाइव किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा आ पाएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा फाइव रूट फाइव और रूट वाली वैल्यू हमेशा इरेशनल नंबर होती है क्योंकि उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख लिख सकते हैं। अब एटी वन नाइन का स्क्वायर था तो ऐसे तो हम ऐसे लिख देंगे नाइन नीचे कुछ नहीं था तो वन लिख देंगे बट रूट फाइव को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते इसके नीचे वन नहीं लगा सकते इसके नीचे कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर है आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रूट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंग्रेसी ऑफ ट्राइंगल हमें बोला गया है इनमें से कौन सा सीरीजन नहीं है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए सो so, देख लेते हैं कौन सा नहीं है मतलब की कौन सी जैसे एस ए एस हम यूज करते हैं एस ए एस भी एक रूल है ए एस ए भी एक रूल है और एस एस ए आई थिंक नहीं है रूल आपकी बुक में भी गिवन नहीं है कोई भी एस एस ए करके गिवन नहीं है आप वर्ड का आगे पीछे नहीं कर सकते तो आपको एस एस ए कहीं पे भी गिवन नहीं है और लेकिन एस 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 भी गिवन है आपकी बुक में गिवन है ए एस ए भी गिवन है और एस ए एस भी गिवन है एस मतलब क्या होता था साइड एंड ए मतलब एंगल ये तीनों वैल्यू आपकी बुक में है बट एस एस ए आपकी वैल्यू नहीं होती है ओके सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एस एस ए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस एंड द पैरिमीटर इज फोर्टी टू सेंटीमीटर वट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओके हमें क्या क्या गिवेन है वो देख लेते हैं दो साइड गिवेन है ट्राइंगल की एंड उसका पेरीमीटर ऑल्सो गिवेन हमें निकालना क्या है एरिया निकालना है ट्राइंगल का देख लेते हैं एरिया कैसे निकलेगा अब देखिए थर्ड साइड निकालने के लिए हमने क्या करा है हमें दो साइड गिवन थी पहले से एंड तीसरी क्या थी पेरीमीटर फोर्टी टू पैरीमीटर था तो हमने क्या करा तीनों को माइनस कर दिया तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी ठीक है थर्ड साइड आ गई हमारी अब ये एस क्या होता है साइड होता है तो आपने हीरोन्स फार्मूला में पढ़ाया कि एस कैसे निकालते हैं ट्राइंगल की तीन साइड का सम करते हैं डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू एस ओके सो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई एक ये एक ये ये तीनों साइड है ट्राइंगल की एटीन प्लस टेन प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू यही होता था ना साइड निकालने का फॉर्मूला इन हीरो फॉर्मूला चैप्टर नंबर आई थिंक ट्वेल्व इन योर एन सी आर टी ओके सो so, इन तीनों का सम करते हैं तो हमारे पास आएगा फोर्टी एंड टू फोर्टी टू एंड डिवाइडेड बाय टू फोर्टी टू को हम डिवाइड करेंगे टू से वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आ जाएगी तो हमारे पास साइड निकल गई ट्वेंटी एंड वन अब हमें एरिया निकालना है एरिया निकालने का भी हिरॉन्स फॉर्मूला ही लगेगा एस ये रूट में होता था ये होता था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यही फार्मूला था हिरॉन्स फॉर्मूला का वही अप्लाई है इस पर हम अब इधर वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट एंड इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी वन रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ द एट क्वेश्चन इन एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी इक्वल्स टू ए सी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी एंड बी इक्वल्स टू क्यू एंड वी विल फाइन द टू ट्रैंगल आर ओके देखना है कि दोनों ट्रैंगल क्या हो रहा है ओके okay. दो ट्रैंगल के नाम लिख देते हैं ए बी एन सी एंड पी क्यू एन आर ए बी है ये वाला साइड ए सी के बराबर है इस साइड के बराबर है ओके okay. एंड एंगल सी ये वाला एंगल एंगल पी के बराबर है इस साइड के बराबर है ओके okay. एंगल बी ये वाला एंगल एंगल क्यू के बराबर है ओके okay. so, अब सो हमें बताना ये दोनों ट्राइंगल हो क्या रहा है देख लेते क्या हो रहा है, दो साइड बराबर है मतलब आईसो सेलेस ट्राइंगल है आईसो सेलेस का मतलब ही टू साइड इक्वल होना होता था तो हमें पता चल गया आईसो सेलेस ट्राइंगल है ये एंड नेक्स्ट आप देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा है वैसे आईस एस एल उसके हिसाब से करते हैं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों में लिखा हुआ है और डिफरेंस क्या है दोनों में नॉट कॉन्ग्रेंट और एक में लिखा है कांग्रेट कांग्रेंट कैसे होगा वो तीन साइड तो हमें बता ही नहीं रखी कि, कि किसी के बराबर है ये बराबर है एंड एक ये बराबर था ये बराबर था ये था और ये था ये सब बराबर है बट दोनों की अगर होता है कि ये बराबर ये बराबर तो शायद ये कॉन्ग्रेंट हो जाता बट एक ही ट्राइंगल के दो साइड बराबर है तो डेट्स वाई कॉन्ग्रेंट नहीं होगा एक ही ट्राइंगल की दो साइड बराबर है एंड इसके ये बराबर है चलो एक हो गया टू पॉइंट मिल गया एंड थर्ड पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्ग्रेंट ओ सॉरी आइसोसेलेस एलेस बट नॉट कॉन्ग्रिंट ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन ज़ीरो पॉइंट थर्टी फाइव के ऊपर बार ओके okay. इसमें करना क्या है ओह सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा द पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर एंटीजर एंड क्यू इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो ओके फॉर्म ऑफ जीरो पॉइंट थ्री फाइव बार इज़ ओके हमें बोला गया है इस वैल्यू को हमें पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आपने करा होगा करा होगा चैप्टर नंबर एन सी आर टी की बुक में वन में सो सेम क्वेश्चन यहीं पर भी गिवेन है इस वाली वैल्यू को हमें करना था पी बाई क्यू के फॉर्म में इस वाली वैल्यू को कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता था लेट करना पड़ता था एक्स को हमेशा ऐसा वाला क्वेश्चन जिसके ऊपर बार हो और उसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है तो लेट एक्स हमेशा करेंगे ये आपकी बुक में आपने करा होगा अगर आपने चैप्टर नंबर वन पढ़ा हुआ है तो इन योर एन सी आर टी बुक एंड एक्स हमने लेट कर लिया अब हम क्या करेंगे अब देख लेंगे ये बार कितने के ऊपर है बार दो डिजिट के ऊपर है तो दो ज़ीरो हो गए हंड्रेड हो गया अगर एक के ऊपर होता तो टेन होता बट इधर टू डिजिट के ऊपर बार है डेट्स वाई हंड्रेड हो गया यहाँ पे हंड्रेड हो गया हंड्रेड एक्स हो गया इधर भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टू के ऊपर बार था इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया इधर करा तो थर्टी फाइव आ गया, गया बार था मतलब रिपीट हो रहे थे वर्ड तो पीछे थर्टी फाइव एंड ऊपर बार लगा रह गया हमारा आंसर ये आया एंड देन अब क्या करा हमने इनको इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया हंड्रेड एक्स में से एक्स गया तो कितना एक्स बचा नाइन्टी नाइन एक्स थर्टी फाइव पॉइंट रूट थर्टी फाइव का बार में से रूट थर्टी सॉरी थर्टी फाइव का बार और ये थर्टी फाइव का बार दोनों कैंसिल हो गया बचा क्या आगे का वैल्यू थर्टी फाइव में से जीरो कैंसिल हुआ तो uh, बचा थर्टी फाइव ऑनली एंड देन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड सो हमने क्या करा इसको डिवाइड में लिख दिया अगर आपकी ऑप्शन में पॉइंट में वैल्यू दे रखी हो जीरो पैन समथिंग तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा अगर नहीं दे रखी ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में बोला तो डिवाइड नहीं करना है अगर ये कट रहा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा होगा तो कर लेना अगर नहीं हो रहा जैसे ये वैल्यू नहीं हो रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये ऐसी रहेगी आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते यही होगी आपकी इस वैल्यू की पी बाई क्यू फॉर्म सो आवर आंसर इज थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन्टी नाइन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेंथ द रेंज ऑफ द डाटा दिस नंबर इज़ ओके रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू देख लेंगे इन सब में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी हाईएस्ट वैल्यू है नाइन्टी वन एंड लोएस्ट वैल्यू होगी एट एंड सिक्स 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 इज आवर लोएस्ट वैल्यू वैल्यू इन होल टर्म्स ओके सो हाईएस्ट होगी नाइन्टी वन एंड लोएस्ट होगी सिक्स सो नाइन्टी वन माइनस सिक्स इक्वल्स टू एटी एंड फाइव आवर आंसर इज एटी एंड फाइव सो रेंज मतलब क्या होता था लो हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज आवर रेंज आवर करेक्ट आंसर इज एटी एंड फाइव नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज फाइव यूनिट डिस्टेंस अब एक्स एक्सिस आप देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यही होता था एक्स एंड वाई वाला ग्राफ ये होती थी एक्स वाली लाइन ये होता था वाई वाली लाइन देख लेते हैं क्या बोला है एक्स से पाँच यूनिट ऊपर है यूनिट फाइव पाँच यूनिट ऊपर है यूनिट नंबर फाइव सो so, ये कौन सी वैल्यू क्या आगे आ गई एक्स की वैल्यू क्या आगे आ गई तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइव और इसको हमें क्या बनाना था इक्वेशन भी बनाना इक्वेशन कैसे बनाते हैं वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू में ज़ीरो रखते हैं तभी कोई इक्वेशन बनती है इन योर बुक यू कैन रीड अबाउट दिस कि इक्वेशन कैसे बनती है इक्वेशन हमेशा दो वैल्यू को प्लस या माइनस करने पे इक्वल्स टू ज़ीरो रख के ही बनती है तो हमारी वाई कितनी आ गई थी वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो वाई में से माइनस फाइव इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्स से पाँच यूनिट ऊपर है ऊपर है तो वाई के पास पहुँच गई वो वाई के पास आ गई ना अब क्या करा हमने माइनस कर दिया और इक्वेशन बन गई ज़ीरो को इक्वल रखे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू माइनस टू इज द सॉल्यूशन ऑफ़ द इक्वेशन ओके दिस वैल्यू एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की एक्स की वैल्यू क्या थी थ्री एंड वाई की माइनस टू हम इधर लिख लेते हैं एक्स की थ्री एंड वाई की माइनस टू सो so, इस इक्वेशन में पुट करेंगे के एंड एक्स की क्या थी हमारे पास वैल्यू थ्री एंड वाई की क्या थी थ्री माइनस का थ्री यहाँ पे वाई की वैल्यू की जगह हम करेंगे माइनस का टू हमने इधर एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू रख दी है अब इक्वल्स टू में क्या है ट्वेल्व इक्वल्स टू में हमने वहीं पे ट्वेल्व भी रख दिया आप क्या करेंगे देख लेते हैं कैसे था ये इक्वेशन देख लेते हैं वापस से के थ्री एंड माइनस थ्री बाय माइनस टू इक्वल्स टू ट्वेल्व अब इसे सॉल्व करेंगे आप इसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे देन उसके बाद के इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी सेम ऐसे करके आपकी वो के की वैल्यू आ जाएगी टू टू इज द वैल्यू ऑफ के इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ वैल्यू uh, क्या थी के एंड देन थ्री देन माइनस का थ्री देन माइनस का टू इक्वल्स टू में ट्वेल्व ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं इधर माइनस का थ्री एंड माइनस का टू है बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री इंटू टू इक्वल्स टू सिक्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का सिक्स आ जाएगा प्लस का सिक्स एंड के थ्री ऐसे ही रहेगा के एंड थ्री इक्वल्स टू में कितना है ट्वेल्व है अब ये सिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है उधर जाके क्या होएगा इक्वल्स टू तो के उधर जाएगा एंड माइनस हो जाएगा माइनस करके वैल्यू आएगी के थ्री माइनस हो के ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा तो सिक्स बचेगा ये आएगी अब के थ्री मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ तो अब क्या करना है करना पड़ेगा थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो के इक्वल्स टू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री वन बाई टू इज़ द वैल्यू एंड टू इज़ आवर के की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई टू आ गई के की वैल्यू आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या है इन ट्राइंगल ए बी सी बी सी इक्वल्स टू ए बी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एटी डिग्री दैन एंगल ए इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी है एक बी सी इक्वल्स टू ए बी है एंड एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है ए की वैल्यू निकालनी है देख लेते हैं कैसे निकलेगा हमें यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कि बी सी इक्वल है ए बी के एंड एंगल ए इक्वल है एंगल सी के ओके सो हमारी तीन साइड का सम ट्राइंगल में तीन साइड के सम इक्वल होता था वन एटी के पता है ना एंगल ट्राइंगल की थ्री साइड का सम इक्वल होता था वन एटी डिग्री के सो so यही मैंने यहाँ पर लिखाया अब यहाँ पे देखो एंगल ए है एंगल सी के इक्वल तो हम एंगल ए एंग, को एंगल सी को एंगल ए भी लिख सकते हैं और एंगल सी को एंगल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही हैं तो मैंने वही लिखा एंगल सी को मैंने एंगल ए बना दिया एंगल ए बना दिया ठीक है अब एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू टू एंगल ए एंड बी की वैल्यू हमें गिवन थी एट्टी डिग्री वो यहाँ पे पुट कर दी अब ये इधर जाके माइनस हो गया तो हमारा आंसर आ गया हंड्रेड हंड्रेड हुआ और ये टू ए है टू ए है तो ये टू ए एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हंड्रेड के साथ डिवाइड हो जाएगा टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू एंड इक्वल आएगा हमारा फिफ्टी एंड डिग्री सो ए की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी डिग्री ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहे हैं इफ़ टू पैरल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ़ ट्रांसवर्सल ओके आपने पढ़ा होगा दो एंग पैलर लाइन होती है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है बाई अ ट्रांसवर्सल ओके okay? एंड uh, uh, वो उनका जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता था ना सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो ऐसा कहाँ पर होएगा इन चारों में से कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है देख लेते हैं वो भी कहाँ पर है इक्वल मतलब इक्वल तो ये तो होगा नहीं एजेसेंट भी नहीं होगा एंड सप्लीमेंट्री इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ये होगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री ये नहीं होगा सो आवर आंसर इज सप्लीमेंट्री क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ये आपको पढ़ना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा वो आपकी चॉइस है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू वन एटी डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री ओके ऑप्शन नंबर सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द फिफ्टींथ क्वेश्चन इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस इज क्लास मार्क कैसे निकालते थे बता देते हैं ये जो दो वैल्यू होती थी उन दोनों को प्लस करते थे लाइक वन थर्टी एंड वन फिफ्टी और टू से डिवाइड कर देते थे इसको बोलते हैं क्लास मार्क आप देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या क्या है वन थर्टी एंड 150. इन दोनों का प्लस करेंगे पहले सो वन थर्टी एंड वन फिफ्टी का प्लस करने पे क्या आएगा जीरो एंड एट एंड टू टू एटी डिवाइडेड बाय टू टू एटी डिवाइडेड बाय टू अब हमें क्या करना है इसको वो टू से डिवाइड करना है वैल्यू आएगी वन फॉर्टी अब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वन फोर्टी

सो so, ऐसा देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है थ्री एंड सिक्स ऐसे ही होता था ना दो पैलर लाइन होती थी एंड उसका ये वाला साइड और ये वाला साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता था देख लेते हैं ऐसा कहाँ पे लिखा है ऑप्शन में से पहला ही ऑप्शन है एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ थर्टी प्लस एक्स डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ फोर्टी डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी प्लस एक्स इक्वल है सॉरी प्लस का एक्स इक्वल है सप्लीमेंट फोर्टी डिग्री के फ सप्लीमेंट होता था वन एटी डिग्री फोर्टी डिग्री बोला है तो इसमें से फोटी माइनस कर देंगे ठीक है फोर्टी माइनस करेंगे एंड हमारे पास आएगा वन फोटी डिग्री इस साइड क्या था थर्टी प्लस एक्स थर्टी प्लस का एक्स इक्वल्स टू वन फोर्टी डिग्री यहाँ पे ये थर्टी प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस अपने पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की वन वन जीरो वेरी इजी पीजी क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वन हंड्रेड टेन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एटीनथ क्वेश्चन में बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज ओके इसकी वैल्यू निकालनी है इसमें सिंपल आपको करना है थ्री को एटीन से मल्टीप्लाई करनी है बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई uh, का साइन है थ्री को एटीन से करेंगे अपने पास आंसर आएगा फिफ्टी एंड फोर एंड अब क्या करेंगे फोर एक्स में थ्री एक्स को प्लस कर देंगे सॉरी फोर एक्स नहीं है ये ए बाई फोर एंड ए बाई थ्री इन दोनों को प्लस करने पे वैल्यू आएगी हमारे पास ए बाय सेवन फिफ्टी फोर ए की पावर सेवन एंड बी को प्लस कर देंगे एंड बी की पावर क्या हो जाएगी हमारी बी है फाइव एंड थ्री हो जाएगा हमारा एट बी का एट हो जाएगा ऐसा कहाँ पे लिखा है ए बाय सेवन एंड बी बाई एट ऑप्शन नंबर ए में गिवन है सॉरी फिफ्टी फोर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट फिफ्टी फोर ए बाई सेवन एंड बी की पावर एट इज द करेक्ट आंसर आपको बस इतना करना है इस पहली वाली वैल्यू को जो नंबर में होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है अब ये जो वैल्यू इसमें है वेरिएबल फॉर्म में है ए बी सी डी ई एफ g एच एक्सेट्रा इन सब की फॉर्म में है। उन दोनों को आपको क्या करना है प्लस कर देना okay? 19. है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हमारा नाइनटीन क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज़ इक्वल्स टू ओके इस नंबर की वैल्यू निकालनी है कैसे निकलेगी देख लेते हैं टू पावर थ्री एंड ये लिखा है ना टू पावर थ्री एंड देख लेते हैं टू की पावर थ्री एंड रूट के आगे ये क्या लिखा हुआ है थ्री एंड फोर एक बार थ्री एंड एक बार फोर है मैंने आपको ऊपर वाली क्वेश्चन में बताया था रूट होती है तो मतलब हाफ हो जाता है लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे रखी है थ्री रूट की वैल्यू दे रखी है थ्री तो हम वन बाय थ्री कर देंगे अब ये ऐसे हो गया एंड वन बाय थ्री एंड एक और बार ऐसे करेंगे कि फोर है तो वन बाय फोर आप क्या करेंगे इनकी वैल्यू निकाल देंगे तो आवर आंसर आ जाएगा बहुत ही ईजी हो जाएगा ये इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने यहाँ पे वन लगा दिया अब ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट हो जाएगा अब बचा क्या हमारा वन बाय फोर ये वन तो किसी काम का ही नहीं है वन बाय फोर टू की पावर वन बाय फोर इज द आंसर कहाँ पे लिखा है ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है टू की पावर वन बाय फोर समझ आया ना कैसे करें टू की पावर थ्री थी ये हाफ वन बाय थ्री क्यों लिया क्योंकि हाफ होता है वैसे रूट की वैल्यू बट यहाँ पे गिवन है रूट की वैल्यू तो हमने इसलिए वैसे लिख दिया एंड ये वन बाय फोर क्योंकि वो आगे एक और वन बाय फोर है अब ये थ्री थ्री से कट जाएगा एंड बचा क्या वन बाय फोर थ्री थ्री से क्यों कटा इसके नीचे वन लगा दिया हमने अब ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई बचा क्या वन बाई फोर आवर आंसर इज़ टू वन बाय फोर नाउ द लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी अब लास्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी क्यो है पैरेलल आर एस के एंड वैल्यू ऑफ़ एक्स फाइंड करनी है ये इसके पैरेलल है ओके एंड वैल्यू फाइंड करनी है इसकी एक्स की एंड uh, देख लेते हैं ये साइड गिवन है एंड फिफ्टी वाली साइड गिवन है अब देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल एक दूसरे के बराबर होगा अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से तो वो वाली प्रॉपर्टी देखते हैं ये दोनों एंगल बराबर करने के लिए तो दोनों एंगल में क्या हो रहा है यहाँ पे फिफ्टी भी है और यहाँ पे एक्स भी है इन दोनों का प्लस करेंगे तभी ये इसके इक्वल होएगा ठीक है क्योंकि ये ऐसे लाइन बन रही है ना ये लाइन है ये वाला एंगल इस लाइन का और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला था एंड ये फिफ्टी है और यहाँ पे एक्स भी है क्योंकि बीच में एक लाइन हो गई है तो हमें फिफ्टी प्लस एक्स करना पड़ जाएगा और उसके इक्वल में रखेंगे वन ट्वेंटी एंड थ्री ये तो इजी हो जाएगा फिफ्टी प्लस थ्री सॉरी प्लस का एक्स इक्वल में है वन ट्वेंटी एंड थ्री ओके ये प्लस का फिफ्टी है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हम वन ट्वेंटी थ्री में से माइनस कर देंगे फिफ्टी को तो अपनी वैल्यू गिवन आ, आ जाएगी हमें क्या करना है फिफ्टी प्लस एक्स इक्वल्स टू वन ट्वेंटी एन थ्री एक्स इक्वल्स टू वन ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टी और आंसर इज एक्स इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू सेवेंटी थ्री देख लेते हैं कहाँ पे हो जाएगा सेवेंटी थ्री है ऑप्शन नंबर ए सेवेंटी थ्री सो ट्वेंटी के ट्वेंटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, सो so, मैंने बता दिए ट्वेंटी क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर फॉर योर एग्ज़ाम बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो थैंक यू